जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो ये आपका भाग्य हो सकता है, लेकिन यदि आपने भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो ये आपका सौभाग्य है। ये भारत की भूमि है, ये वीर पैदा करती है। आज नॉलेज नाश्ता में हम आपके लिए एक ऐसे ही वीर की डिश लाए हैं, माँ भारती के एक सच्चे वीर सपूत के, जिसने माँ भारती की शान में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर का खजूरी गांव, साल 1916, महीना नवंबर का, तारीख 21, एक किसान बीरबल सिंह राठौड़ के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया जदुनाथ सिंह। कई जगह पर आपको यदुनाथ सिंह भी लिखा हुआ मिल जाएगा। पिता किसान थे, माँ गृहिणी थी। एक किसान का जन्म हुआ तो समझ सकते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। इस देश में किसानों की आर्थिक स्थिति न तब बेहतर थी, न आज लगता है बेहतर है। होती है तो केवल किसानों पर राजनीति, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। फिर आते हैं हमारे मेन विषय जदुनाथ सिंह पर। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो जदुनाथ सिंह ने चौथी क्लास तक की शिक्षा ग्रहण की। बड़ा हुए तो उन्हें पहलवानी का शौक लगा और कुमार हो गए गांव के पहलवानों में। उनकी बहादुरी के किस्सों के चर्चे आसपास के गांवों में होने लगे। समय के साथ जदुनाथ सिंह और बड़े हुए तो एक सपना सजोया भारतीय सेना में जाने का, और उनका यह सपना साल 1941 में पूरा भी हुआ। जब सेना में भर्ती हुए तो पता चला कि सैनिक को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करना पड़ता है। अब जदुनाथ सिंह ठहरे पहलवान और थे हनुमान भक्त। लोग उन्हें हनुमान भक्त के उपनाम से भी पुकारते थे। जदुनाथ सिंह ने मांसाहार भोजन का सेवन करने से मना कर दिया। जब यह बात सेना के बड़े अफसर तक पता चली तो सेना के अफसर और जदुनाथ सिंह में नोकझोंक हो गई। तब जदुनाथ सिंह ने अफसर के सामने एक शर्त रखी, कहा कि यदि आपकी सेना का कोई जवान मुझे कुश्ती में हरा दे तो मैं मांसाहार भोजन का सेवन करने के लिए तैयार हूँ, वरना आपको मेरा दूध दही भी दोगुना करना पड़ेगा। अफसर को बात अच्छी लगी और अगले दिन मुकाबला तैयार हो गया। जदुनाथ सिंह ने सेना के एक नहीं दो जवानों को चारों खाने चित्त कर दिया। इधर आर्मी में अभी जदुनाथ सिंह को एक साल भी नहीं हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में उन्हें बर्मा मिशन के तहत अराकान जाना पड़ा, जहां उनका सामना हुआ जापानी सेना से, और वहां पर उन्होंने अपनी बहादुरी और पराक्रम साहस का एक नमूना दिखाया। इसका उन्हें इनाम भी मिला। बाद में उन्हें लांस नायक के पद पर पदोन्नत किया गया। इधर देश का बंटवारा हो गया और अभी इसके जख्म भरे भी नहीं थे कि अक्टूबर साल 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के हिसाब से हमला कर दिया। पाकिस्तान ने झांगर पर कब्जा कर लिया था और उसका अगला टारगेट नौशेरा था। तब जदुनाथ सिंह को आदेश मिला कि आप नौशेरा को सुरक्षित रखें और झांगर पर तिरंगा फहराएं। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 50 पैरा ब्रिगेड ने 1 फरवरी साल 1948 को विरोधियों को पीछे खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। अपनी हार से गुस्साए विरोधियों ने 6 फरवरी को भारतीय आर्मी की टेंडर पोस्ट पर हमला कर दिया, जहां उनका सामना हुआ जदुनाथ सिंह से। वह अपने 9 सैनिकों के साथ पोस्ट पर तैनात थे। विरोधियों ने टेंडर के आसपास के इलाकों को आग के हवाले कर दिया ताकि वे धुएं का फायदा उठाते हुए जदुनाथ सिंह को मात दे सके, पर जदुनाथ सिंह तो जदुनाथ सिंह ठहरे। उन्होंने विरोधियों के हर प्लान पर पानी फेर दिया और विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। जदुनाथ सिंह विरोधियों को रोकने में सफल रहे। थोड़ी देर बाद लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है तो विरोधियों ने एक बार फिर से टेंडर पोस्ट पर हमला किया और पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली उन्होंने मुकाबला किया। इस मुकाबले में जदुनाथ सिंह के 4 सैनिक घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख जदुनाथ सिंह ने उस्मान ब्रिगेडियर से अतिरिक्त मदद की मांग की। जवाब भी मिला कि आप तक अतिरिक्त मदद पहुंच जाएगी, लेकिन मदद पहुंचने तक आपको विरोधियों को रोके रखना है।
जदुनाथ सिंह को यह मंजूर था। उन्होंने अपने बचे कुचे सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और एक बार फिर से अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मोर्चे पर तैनात हो गए। कुछ देर बाद विरोधियों ने तीसरी बार पोस्टर टेंदार पर हमला किया और अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इन गोलियों में एक गोली जदुनाथ सिंह के सिर पर लगी। वो कुछ समझ पाते कि इससे पहले दूसरी गोली उनके सीने में आ लगी। इसी परिदृश्य में दुश्मन ब्रिगेडियर की अतिरिक्त मदद भी इस क्षेत्र में पहुंच गई और विरोधियों को पीछे खदेड़ने में सफल रहे। लेकिन इन सब के बीच हमने मां भारती के एक सच्चे वीर सपूत जदुनाथ सिंह को हमेशा के लिए खो दिया। जदुनाथ सिंह तो अपना फर्ज निभा गए और एक सुरक्षित भारत हमारे हाथों में दे गए। उनकी इसी बहादुरी को देखते हुए साल 1950 में भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस देश के इतिहास में क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इस पर एक अलग से बात हो सकती है। पर इस देश के इतिहास में देशभक्ति जरूर पढ़ाना चाहिए ताकि देश की भावी पीढ़ी को इन सच्चे वीर पुरुषों के बारे में पता चल सके, वो इनकी देशभक्ति और वीरता से प्रेरणा ले सके ताकि वो देश के लिए कुछ कर गुजरे। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मसालेदार नमकीन चटपटी जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।